आज के वीडियो में बात करेंगे वानखेड़े स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के बीच में ये जो टाटा आईपीएल का दोस्तों मैच नंबर 25 ये होने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमआई वर्सेस आरसीबी के ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन, बेहतरीन टीम प्रेडिक्शन दूंगा जहाँ पे आप लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे करना है और ट्रम्प प्लेयर में किनको किनको रखना है उसके बारे में बताऊंगा। प्लेइंग 11 की अपडेट दूंगा, पिच रिपोर्ट की अपडेट दूंगा, वेन्यू की कंडीशन बताऊंगा और प्लेयर के स्टैट्स के बारे में भी जानकारी दूंगा और कौन कौन से पर्टिकुलर प्लेयर को आपको टीम में लेना है कि आप लोग ड्रीम 11 में विनिंग जोन पे जा पाए उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो चैनल पर हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस आउट ना हो। और अगर आप लोग वाकई में ड्रीम 11 से विनिंग करना चाहते हैं, एक ह्यूज लेवल का अमाउंट विन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि जो जानकारी जो स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ उसी स्ट्रेटजी के माध्यम से आज मैं आप लोगों को ड्रीम 11 में एक बेस्ट और यूनिक लेवल से विनिंग कराने का पूरे पूरे दोस्तों मैं मौका आपको देने वाला हूँ। तो चैनल पे नया है सब्सक्राइब करके आप लोग बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिए। आइए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं जो मैच होने वाला है ये होने वाला है मुंबई और आरसीबी के बीच में। इस मैच का कंडक्शन आज शाम को 7:30 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगा। टाटा आईपीएल की तरफ से मैच नंबर 25 है, 25वां मैच है, 25वां संस्करण है। और अगर बात करें भाई हम लोग यहाँ पे इस मैच के वेन्यू कंडीशन की, तो आप लोग जानते हैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इस मैच का कंडक्शन होगा। और आप लोगों को ये बात बहुत भली भांति पता है कि जो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है वो हमेशा से बैटिंग पिच के लिए माना गया है और बैटिंग पिच का एडवांटेज काफ़ी नेक्स्ट लेवल से रहा है। आप लोग इस बात से भी वाकिफ है क्योंकि भाई बैटिंग पिच में हमेशा से, मैंने अभी कल भी वीडियो बनाई है बैटिंग पिच में टीम कैसे बनाए, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाए चैनल पर जाके आप लोग देखें, लेटेस्ट वीडियो पड़ी होगी बैटिंग पिच में टीम कैसे बनाए। और अगर आप लोग वाकई में यूनिक विनिंग करना चाहते हैं, बेहतरीन लेवल से परफॉर्मेंस अपनी करना चाहते हैं, तो भाई आपको ये समझ चलना पड़ेगा कि ड्रीम इलेवन में विनिंग करने के लिए आपको पिच कंडीशन को एनालाइज करके चलना पड़ेगा। और अगर पिच कंडीशन को एनालाइज नहीं करोगे तो फिर ड्रीम इलेवन में कभी भी विनिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन पिच कंडीशन को एनालाइज करना है, जानकारी लेनी है, सीखना है, समझना है, और सीख समझ के जब काम करोगे ना तो फिर आपको कोई भी पीछा नहीं छोड़ सकता है। तो दोस्तों जैसा कि पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मुंबई इंडियंस और आरसीबी के प्लेइंग 11 के अपडेट के बारे में, तो भाई आप लोग जानते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से हमको दोस्तों बेहतरीन प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं जिनमें ईशान किशन एज अ विकेट कीपर, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविक, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद नाबी, रोमारियो सेफर्ड, पीयूष चावला, गिन कोडजी और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह देखने को मिलने वाले हैं। रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर यानी कि आरसीबी की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं हमारे सुपर धूपर कप्तान फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली है ना, जैक्स, ग्विन मैक्सवेल, मैक लॉमरर, उसके साथ दोस्तों यहाँ पे दिनेश कार्तिक एज अ विकेट कीपर, साई चौहान, रजवे तोपले, केवी शर्मा, मोहम्मद सिराज और यशदयाल। इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आप लोग यहाँ पे दोस्तों काफ़ी यूनिक लेवल से देख सकते हैं। अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पे पिच फेवर में, तो भाई आप लोग जानते हैं इस पिच में हमेशा से बैटिंग ओरिएंटेड पिच रही है और बैट्समैन और बॉलर का एक अच्छा कम्बिनेशन बना के जो भी चला है वो ड्रीम इलेवन में हमेशा से विनिंग किया है। तो भाई आज हमारे साथ बेहतरीन बॉलर हैं, बेहतरीन बैट्समैन है, जैसे फाफ डू प्लेसिस हो गए, रोहित शर्मा हो गए है ना, सूर्य कुमार यादव हो गए, तिलक वर्मा है, टिम डेविड है, मतलब काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन बैट्समैन हमारे सामने यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ईशान किशन भी भाई आप लोग जानते हैं एक अच्छा विकेट कीपर, एक अच्छा बैट्समैन भी होता है। तो ये कंडीशन अप्लाई करके ड्रीम इलेवन में काफ़ी यूनिक और नेक्स्ट लेवल से विनिंग करने का मौका यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अभी मैं स्क्रीन पे आपको ले चलूंगा, वहां पे आपको मैं टीम पोजीशन करके दिखाऊंगा कैसे आप लोग जो तरीके से टीम पोजीशन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं और बात करेंगे दोस्तों टीम पोजीशन की। तो भाई ईशान किशन को हम लोग अपनी टीम में रखेंगे, जाहिर सी बात है बेहतरीन प्लेयर है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे ईशान किशन हमको देते हैं, ठीक है। तो हर बार की तरह ईशान किशन को हम एज अ विकेट कीपर अपना रखेंगे। बैट्समैन की बात करें तो भाई बैट्समैन हमारे सामने यहाँ पे विराट कोहली होने वाले हैं क्योंकि भाई बैटिंग पिच है तो इन लोगों को टीम में रखना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य कुमार यादव होंगे, रोहित शर्मा, फाफ डू प्लेसिस और तिलक वर्मा है ना, इन प्लेयर्स को, पाँच प्लेयर को तो हमको अपनी टीम में रखना ही रखना है क्योंकि भाई परफॉर्मेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल से ये लोग हमको आज देने वाले हैं। ऑलराउंडर की बात करूँगा तो ऑलराउंडर हमारे सामने यहाँ पे हार्दिक पांड्या, कैमरन ग्रीन और ग्विन मैक्सवेल, तीन प्लेयर हमारे सामने देखने को मिलेंगे क्योंकि भाई इन तीनों की परफॉर्मेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल से रहती है और काफ़ी यूनिक तरीके से हमको दोस्तों ड्रीम इलेवन में विनिंग करने का मौका देखने को मिलेगा। बॉलर की बात करते हुए बॉलिंग हमारे सामने यहाँ पे मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, दो प्लेयर हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लॉके फर्गूसन और गेन कॉटजी को दोस्तों लोग अभी नहीं लेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस हमको इन दोनों में काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। यूनिक प्लेयर हैं, हर प्लेयर हैं तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल से यहाँ पे हमको देखी जा सकती है। कप्तान, उप कप्तान,
अब दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड होती है इस मैच कंडीशन की। तो आप लोग जानते हैं आज के मैच में दोस्तों अधिकतर लोग विराट कोहली को कप्तान बना रहे हैं, साफ डू प्लेसिस को ले रहे हैं, सूर्य कुमार यादव को ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप लोग बड़े प्लेयर के चक्कर में ना पड़ें, जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ठीक है। रोहित शर्मा को अधिकतर लोग ले रहे हैं, तो भाई आपको यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस के बेसिस पर काम करना है। तो भाई मैं यहाँ पर साफ डू प्लेसिस को एज अ कैप्टन बना रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव को बना रहा हूँ अपना वाइस कैप्टन, और दोस्तों परफॉर्मेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल से यहाँ पे देखने को मिलेगी और आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे विनिंग भी कर पाएंगे। लेकिन ये कोई फाइनल टीम नहीं रहेगी, फाइनल टीम में दोस्तों आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फाइनल टीम के लिए आपको वहाँ जाके जाना पड़ेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं, जो इंपॉर्टेंट जानकारी हैं, उनको आपको समझ चलना है कि आखिर मैं कैसे विनिंग अपने नेक्स्ट लेवल से कर पाऊंगा। अब यहाँ पे कई सारे लोगों को समझ में आता है भाई आप लोग रोहित शर्मा क्यों नहीं कप्तान बना रहे हो, विराट कोहली को वाइस कैप्टन क्यों नहीं बना रहे हो। तो भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लगातार लगभग मतलब 100 में से 40% लोग, यानी कि मतलब 100 करोड़ लोग अगर टीम बनाते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कम से कम दोस्तों 40 लाख लोग यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने विराट कोहली को कप्तान रख रखा है। तो ऐसे प्लेयर को लेने का कोई औचित्य नहीं निकल के आता जो दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड हो, क्योंकि फिर विनिंग करने कोई मतलब नहीं निकलेगा, और विनिंग करने कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर किसी भी प्रकार से हम लोग यहाँ पे दोस्तों ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर हमको ड्रीम इलेवन में दोस्तों अर्निंग करनी है ना, तो हमको इन बेसिक सीनेरियोज को ध्यान में रखकर चलना है जिनके माध्यम से हमारी विनिंग काफ़ी नेक्स्ट लेवल से हो और काफ़ी यूनिक तरीके से हम लोग ड्रीम इलेवन में विनिंग कर पाएँ। तो आपको इन बेसिक सीनेरियोज को ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि आपको पता है अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे काम किया जाए तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल से यहाँ पे हमको ऑर्गेनिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, धन्यवाद।